चरित्र प्रसंग की तरह, जहां पर जिले के ब्यावरा क्षेत्र में हुई फिरौती की मांग और ब्यावरा में रहने वाले परिवार को धमकी भरे मैसेज भेजकर मांगे जा रहे थे 20 लाख रुपए। क्राइम पेट्रोल देखकर मिली थी प्रेरणा, फिर बनाई योजना, जिसे जिले की साइबर टीम ने थाना पुलिस ने सहयोग से आरोपी को चिन्हित कर लिया और हिरासत में लिया, जहाँ पर मामला भी दर्ज कर लिया गया। जैसे कि सामान्य जीवन में चलचित्र देखकर आपराधिक दुनिया की ओर रुख करने वाले कई अपराधियों ने बड़े बड़े जघन्य अपराध घटित कर अपने जीवन को तबाह कर लिया, वहीं जिले में ब्यावरा क्षेत्र अंतर्गत एक व्यक्ति ने टेलीविजन पर आने वाले प्रोग्राम क्राइम पेट्रोल को देखकर एवं सीखकर प्रतिष्ठित परिवार के लोगों को जान से मारने की धमकी दे डाली। यही नहीं, उसके द्वारा परिजनों की जान बख्शने के एवज में फिल्मी स्टाइल में उससे फिरौती की मांग की गई, पर कमजोर योजना के चलते पुलिस के हाथ पकड़ा गया। सर, एक मामला आया था, क्या है ये लूट फिरौती का मामला था? फरियादी है महेश अग्रवाल, इनके द्वारा पुलिस थाने पर रिपोर्ट की गई थी 21 तारीख को कि इन्हें किसी अज्ञात नंबर से फ़ोन आ रहा है और अज्ञात नंबर से परिवार को क्षति पहुंचाने की धमकी दी जा रही है, जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है, 20 लाख रुपए फिरौती की मांग की जा रही है। क्या अभी क्या कार्रवाई की गई? इसमें पुलिस के द्वारा तत्कालीन अपराध पंजीबद्ध किया गया है, धारा 507-386 भारतीय के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध हुआ और इसमें श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा तत्काल निर्देश आने पर टीम गठित की गई और साइबर की टीम को भी लगाया गया और टीम ने लगातार कार्रवाई की इसमें और हमने इसमें 24 घंटे के अंदर ही एक आरोपी है जो दीपक लवंशी है, कागावनी का रहने वाला है, इसको गिरफ्तार किया गया है। तो सर, ये क्यों करना चाह रहा था, ऐसा क्या कारण इसके पीछे आया है? एक्चुअली इसका जो बैकग्राउंड आया है, दीपक लवंशी ने पूर्व में भी फरियादी महेश अग्रवाल के यहाँ काम किया था, ये पहले से इस फैमिली से परिचित थे और इनके व्यवसाय से भी परिचित था। इसी आधार पे इसने जो एक अपना योजना बनाई कि मैं फ़ोन के माध्यम से इन्हें धमकाऊँगा और फ़ोन से धमकाने से ये लोग डर जाएंगे और डर के इसको पैसा देंगे, क्योंकि ये चाहता था कि ये अभी वर्तमान में एक ढाबे पे काम कर रहा है, इसका ये प्लानिंग था कि मैं एक ढाबा स्टेबल करूँगा और अपने अवैध लाभ कमाने के लिए इसके द्वारा धमकी दी जाकर फिरौती की मांग की गई। कहाँ से गिरफ्तार किया था इसे? हमने यहीं ब्यावरा से गिरफ्तार किया है। किस तरह से फिरौती की रकम मांगी गई थी सर? इसके द्वारा ये भय में डाला गया इन्हें कि भाई मैं तुम्हारे परिवार को नुकसान पहुँचा दूंगा और यदि तुम अपने परिवार को अपना चेहरा दिखाना चाहते हो तो 20 लाख रुपये। तो मोबाइल इसमें आरोपी से जो घटना में प्रयुक्त मोबाइल है वो भी जब्त किया गया है और आरोपी को न्यायालय पेश किया जा रहा है। मोबाइल पे मैसेज किए थे? हाँ, मोबाइल पे मैसेज आए थे, मोबाइल के द्वारा इसमें लगातार मैसेज किए, कोई कॉलिंग नहीं करता था, बात नहीं करता था और मैसेज के माध्यम से ये लगातार फिरौती की मांग कर रहा था। इसके द्वारा जगह भी बताई गई कि मुझे अरिंदा नदी के पास में पैसों से भरा बैग रख दिया जाए और इस प्रकार से धमका कर इनसे फिरौती की मांग हुई। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए राजगढ़ से नाजिल अल्ताफ की रिपोर्ट।